नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए, कोटा से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कोटा के दौरे पर हैं। नौनेरा एबरा डैम का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इंजीनियर्स की टीम भी इस दौरान मौके पर ही मौजूद रही। बताते चले कि ईआरसीपी परियोजना के तहत नौनेरा डैम का को बनाया जा रहा है। 90% काम पूरा हो चुका है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता दें, पीकेसी ईआरसीपी परियोजना में ये डैम शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डैम का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। 90% तक काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के 13 जिलों को प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। 1316 करोड़ के प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो चुका है। 1316 करोड़ के प्रोजेक्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे, कोटा पहुंचे। उस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि 227 मिलियन क्यूबिक मीटर बांध की भराव क्षमता है, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और जब ये बांध बन जाएगा तो 13 जिलों की प्यास इस बांध से बुझाई जा सकेगी। तो पानी देने का वादा बीजेपी की ओर से चुनावी साल में किया गया। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो कि राजस्थान में हमेशा ही मुद्दा रहता है। और इस वादे को पूरा करते हुए भजन लाल सरकार लगातार एक एक कदम आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। और इसी क्रम में एक और कदम आगे बढ़ते हुए जब नौनेरा बांध का निरीक्षण किया गया, मुख्यमंत्री द्वारा कोटा पहुंचे, वहां पर उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और टोंक से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के टोंक दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। थोड़ी ही देर में इसरदा बांध पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री के दौरे के पहले ही सुरक्षा पुख्ता कर लिए गए हैं। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी पहुंचे इसरदा बांध। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा भी मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त की, कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसरदा बांध के निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले हैं। और मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और सीएम के पहुंचने से पहले ही सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया इसरदा बांध पहुंच चुके हैं। और बड़ी सूचना यह है कि कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा भी वहीं पर मौजूद हैं। तो पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार बड़ी ही तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ईआरसीपी को धरातल में उतारना भी शुरू कर दिया है। सीएम भजन लाल खुद इस पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन से इसकी लगातार प्रगति रिपोर्ट भी ले रहे हैं। इसरदा बांध की क्या है खासियत और इससे ईआरसीपी प्रोजेक्ट्स में क्या असर पड़ने वाला, इस रिपोर्ट से समझिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश के साथ सहमति बनने के बाद भजन सरकार ने इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। इसी के तहत इस योजना में शामिल निर्माणाधीन इसरदा बांध के बारे में सीएम अधिकारियों से जानकारी लेंगे। सीएम को वास्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए टोंक प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम के दौरे से पहले जिला कलेक्टर ने बांध का निरीक्षण कर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं ईआरसीपी परियोजना में इस बांध की कितनी अहमियत है। ईआरसीपी में अहम है इसरदा बांध। बनास नदी पर बनेठा में इसरदा बांध का निर्माण जारी। बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी से भरेगा इसरदा। दौसा सवाई माधोपुर को मिलेगा पीने का पानी। इसरदा बांध से जयपुर के रामगढ़ में पानी पहुंचाने की योजना। पहले चरण में इसरदा बांध से दौसा बांदीकुई तक बिछेगी 300 किलोमीटर पाइपलाइन। 5 शहर और 1079 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। 31 पंप हाउस, 212 उच्च जलाशय टैंक का भी निर्माण होगा। सवाई माधोपुर समेत जिले के 150 गांवों में पीने का पानी पहुंचेगा।
पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिहाज से बन रहे इसरदा बांध का काम पिछले कुछ महीनों से दिन रात चल रहा है। आइए डालते हैं इसरदा बांध परियोजना पर एक नजर। एक नजर में इसरदा बांध परियोजना। इसरदा मुख्य बांध की लंबाई 958 मीटर, बांध पर 15.5 मीटर ऊंचे 28 गेट बनाए जाएंगे। 2018 में दिया 615.17 करोड़ का वर्क ऑर्डर। पहले चरण में भराव क्षमता 262 आरएल मीटर तक, दूसरे चरण में बांध की पूर्ण भराव क्षमता 262 आरएल मीटर, 10.77 टीएमसी पानी का होगा भंडारण। 2008 को मुख्य बांध के लिए 40 करोड़ से बना कॉफर डैम। 2019 में मुख्य बांध परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ईआरसीपी को लेकर के केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस राजस्थान की सत्ता पर कायम नहीं रह सकी। अब भजन सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के साथ एमओयू साइन कर बड़ा संदेश दे दिया है कि डबल इंजन की सरकार ही ईआरसीपी का सपना साकार कर सकती है। बीजेपी ईआरसीपी जैसे बड़े मुद्दे के जरिए एक बार फिर 25 की 25 सीटें जीतने की कोशिश में है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। तो वहीं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर विभागीय समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों के साथ ही बैठक में बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। किसान और कृषि का राजस्थान में किस तरीके से उत्थान हो, इस मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं। वो लगातार यहां किसानों के साथ दौरा कर रहे हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, उसके बाद राज्य सरकार किस तरीके से जो राज्य की 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है उसके उत्थान के प्रयास कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक धरती पुत्र हैं और किसान और खेती से जुड़े हुए हैं। राजस्थान कृषि प्रधान देश है, किस तरीके से हम बेहतरी के प्रयास कर रहे हैं? देखो, ऐसा है भी हमारा प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में जैसे सीड कॉरपोरेशन है, अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को कैसे मिले और कई बार बीज में भी किसान के साथ धोखा हो जाता है, नकली बीज दे देते हैं, प्राइवेट कंपनियां में विशेषकर ये शिकायत मिलती है। तो उस दृष्टि से समय पे बीज मिले, उच्च क्वालिटी का मिले और किसी प्रकार का धोखा किसानों के साथ नहीं हो, एक दूसरा। हम ये फसल बीमा योजना पर डिस्कस कर रहे हैं कि फसल जो बीमा प्रधानमंत्री जो 2016 में चलाई गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे हो, ऐसे फसल बीमा से संबंधित अधिकारी यहां पर हैं और एग्रीकल्चर की जिनकी जितनी भी स्कीम है भारत सरकार की और केंद्र की, उनको धरातल पर हम कैसे पूरी तरह से लागू कर सकें। इसमें ये भी है कि सारी योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं है, इसलिए हम एक ऐसा कैंप करने जा रहे हैं गांव में कृषि विभाग आपके द्वार, ताकि किसानों को केंद्र और राज्य की हर योजना की जानकारी मिले, कितनी कितनी सब्सिडी है, कितने कितनी सीमा पर है। और उस दृष्टि से आज हमने यहाँ कृषि और हॉर्टिकल्चर का हमने डिस्कशन रखा, प्रेजेंटेशन है। सभी अधिकारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ मौजूद हैं और हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि किसान की कम लागत में अधिक उपज कैसे कराई जा सके। आपने 100 दिवसीय कार्य योजना को मैं भी सख्त निर्देश दिए थे कि ईमानदारी और पारदर्शिता से केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसान तक पहुंचाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। तो किस तरीके से 100 दिन का लक्ष्य तय किया गया है, किस तरीके से किसान तक हम पहुंचने की कोशिश करें, योजनाओं का लाभ पहुंचाने? हम अभी विभाग किसान के द्वारा एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं और 100 दिवस में कौन कौन से कार्य करने हैं उनकी जानकारी किसानों को नहीं है। हमारे उसमें तो है, कागजों में तो, लेकिन किसान तक जा नहीं पा रही, उसको किसान तक पहुंचाना और किसान की वैभूति बढ़ाना।
जारी है। जहाजपुर पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और 3 ट्रैक्टर जब्त किए। इस कार्रवाई में बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। एएसआई शंकर सिंह ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। इस दौरान रामगढ़ गांव से बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और गौड़ गांव से खाली ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। आपको बता दें कि 31 जनवरी को IG लता मनोज कुमार ने अवैध खनन और परिवहन पर रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए थे। तो वहीं झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने CHC बगड़ और इस्लामपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति मिलने पर कार्रवाइयों को फटकार भी लगाई गई कर्मचारियों को और औचक निरीक्षण की शुरुआत CHC बगड़ से हुई, जहां पर कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को व्यवस्थाएं माकूल लगी और इसके बाद वो इस्लामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्रभारी के निवेदन पर आंखों की जांच संबंधित उपकरण उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। खबर कोटा से, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहल करते हुए कोरोना काल में अपने पति, ससुर, सास, देवरानी सहित परिवार के 6 लोगों को खोने वाले एक महिला को 6 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिलवाया। पीड़ित महिला अनीता वैष्णव को मकान को नीलामी से बचाने के लिए 12 लाख रुपए के ऋण को चुकाने के लिए 6 लाख की राशि का चेक सौंपा गया। कोटा स्टोन स्मॉल स्केल एसोसिएशन रामगंज मंडी की तरफ से इसे भेंट किया गया है। बैंक से नेगोशिएशन के बाद बची शेष राशि मंत्री ने अपने तरफ से व्यवस्था करने की घोषणा की। पीड़ित महिला को मौके पर ही सहायता राशि का चेक सौंपा गया। रामगंज मंडी में रामनादाचार्य जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह राशि उपलब्ध कराई गई। और अंतरिम बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को 9,714 करोड़ 28 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं, जिससे कि अब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस बार प्रदेश को 9 नई रेलवे लाइन की भी सौगात मिलने वाली है, यानी कि 9 नए रेलवे स्टेशन राजस्थान को मिलने वाले हैं। इस बजट को नई रेल लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण, यात्री सुविधाओं, ट्रैक अनुरक्षण, सड़क सुरक्षा के लिए रोड ओवरब्रिज और रोड अंडर ब्रिज पर भी खर्च किया जाएगा। पेश किए गए बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को रेल बजट में काफी अभूतपूर्व बजट का आवंटन मिला है। उत्तर पश्चिम रेलवे को वर्ष 2024-25 में रेल परियोजनाओं के जो कार्य हैं और संरक्षा से जुड़े हुए जो विभिन्न मद हैं उनको कंप्लीट करने के लिए लगभग 9,714 करोड़ का बजट का आवंटन मिला है, जो कि अभूतपूर्व है, सब सर्वाधिक है अभी तक के वर्षों में, और पिछले वर्ष की तुलना में ये लगभग 12.5% अधिक है। हमारा जो फोकस एरिया है जैसे सेफ्टी। और अजमेर महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। पथ संचलन पटेल स्टेडियम से होकर अग्रसेन चौराहा, हाथीभाटा, आगरा गेट, गणेश मंदिर, नया बाजार, धान मंडी, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से होते हुए मदार गेट, गांधी भवन के बाद वापस पटेल स्टेडियम पहुंचा। इस पथ संचलन में अजमेर महानगर की करीब 140 शाखों से 5,000 स्वयंसेवक शामिल हुए। 4 किलोमीटर के इस पथ संचलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा और अलग अलग स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा और स्वागत भी देखने को मिला। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पद संचलन निकला। हजारों लोगों ने इस पद संचलन के अंदर, हजारों स्वयंसेवकों ने पद संचलन के अंदर हिस्सा लिया और आज हम दरगाह के बाहर निजाम गेट के इधर सभी, आप जिस तरह से देख रहे हो कि सभी धर्म के लोगों ने पुष्प वर्षा करके एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का कार्यकर्ता है और मैं भी स्वयंसेवक हूँ और आज जो कुछ हूँ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की प्रेरणा की वजह से हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार का ग्रामीण सड़क सुधार और सुरक्षा के नाम दावा कई जगहों पर फेल होते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं,
बात अगर आबू रोड के आदिवासी क्षेत्र की करें तो इलाके के उपलाखे जड़ा दानबोर सड़क मार्ग के बीच गोला भामटा का ढलान मात्र 200 मीटर का है। साथ ही लगातार डामर परत उखड़ती रहती है जिससे गड्ढे गहराई बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सड़क पर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले एक साल में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मामले में प्रशासन की लापरवाही लगातार जारी है। तो सिरोही से सड़क की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। और जयपुर राजस्थान में रविवार को भी कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर झमाझम बारिश का दौर दिखाई दिया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन बादल लगातार छाए रहेंगे और हल्की हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। राजधानी में झमाझम बारिश का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी जयपुर में भी आज नजर आया। आप देख सकते हैं कि बरसात ने राजधानी जयपुर को तरबतर कर दिया है। हालांकि कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, कई जगह हल्की मध्यम तो कई जगह तेज बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कमोबेश पूरे राजस्थान में इसका असर देखने को मिला है, जहां पर पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर के आसपास 21 mm बारिश दर्ज की गई है तो अलवर में 5 mm बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। फिलहाल मानसून के बाद में राजस्थान के अंदर राजधानी जयपुर को पूरी तरह से तरबतर करने वाली ये पहली बारिश है। इसके बाद से राजस्थान में किसानों को लेकर के भी जो है अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरह का असर जो अलग अलग फसलों पर पड़ेगा उसका पूरा मुआयना और सारी देखभाल स्थानीय अधिकारी करेंगे। फिलहाल राजस्थान में अगले 2-3 दिन यही माहौल बना रहने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसमें कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश तो कुछ जगह पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल मौसम का यही हाल है और जिस तरह से मौसम में ये करवट ली है इसका असर तापमान पर और राजधानी में जो मौसमी बीमारियाँ हैं उस पर भी पड़ा है। फिलहाल के लिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अगले 2-3 दिन करीब यही माहौल बने रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। अगर देखा जाए तो राजस्थान में ये पूरे एक तरह से क्षेत्र में बारिश का असर है, पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 3 दिन बने रहने की संभावना है। ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। We'll be right back.